नमस्कार, मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ। मैं इस समय चतरा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और ये हम लोगों का आर्यमन प्लॉट है। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी हमारे टमाटर के व्यापारी हुए और ये ऑलमोस्ट आपका आधा झारखंड से टमाटर उठाते हैं और ये बंगाल, कलकत्ता, गिरिडीह, बोकारो, हर जगह बिहार ये लोग बेचते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि आर्यमन टमाटर की इनकी क्या फीडबैक है और उनको कैसा लगा, इसकी क्या खासियत है। तो नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको। अच्छा, आर्यमन टमाटर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है टमाटर के बारे में? आर्यमन वाला में जी, आर्यमन का है टमाटर। देखिए, इसका सब टमाटर के अपेक्षा इसका फल अच्छा है, ज्यादा भी है, टिकापन भी है, शाइनिंग भी है। और अभी तक आप यहाँ से कितना पिकअप ले चुके हैं? 10 पिकअप हम ले चुके हैं। 10 पिकअप मतलब आप ले चुके हैं। और क्रैकिंग वगैरह का कुछ इशू? इसके बावजूद भी टमाटर अच्छा है। अच्छा है, क्रैकिंग वगैरह कोई इशू है? सर सब ठीक है। शाइनिंग कैसी लग रही है आपको? अच्छा है, शाइनिंग अच्छा है। आगे इसको बेचते बेचने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में फर्स्ट करता है, जहाँ भी जाता है मंडी में पहले बिकता है। और आपको मतलब ठोस? एकदम ठोस है, टिकाऊपन है, एकदम टिकाऊपन है। अभी जैसे इस साल बारिश का बहुत मतलब बारिश बहुत ज्यादा रही और शुरुआत में बारिश नहीं हुई, बाद में बारिश हुई है, तो आप जैसे आसपास से टमाटर ले रहे होंगे उसमें और इसमें आपको अंतर तो दिख रहा होगा बाजार में? अंतर है। बाकियों का भी टमाटर इसी प्रकार आ रहा है? दूसरा टमाटर में देखिए, दूसरा टमाटर में है कि वो जो काला काला जो धब्बा जो है वो टमाटर में रहता है, ज्यादा रह रहा है, ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा कम है, कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। और शाइनिंग तो बढ़िया है, शाइनिंग भी बढ़िया है। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि राजेंद्र जी जो हमारे व्यापारी हैं, इनको ये टमाटर बहुत पसंद आया और एक बहुत बड़े व्यापारी हैं ये। तो आर्यमन टमाटर की मुख्य विशेषता यही है कि पूरा बारिश रहता है आपका, दिखने में एकदम चमकदार है, ठोस फल है और क्रैकिंग का इशू बिल्कुल ना के बराबर है। तो जो भी किसान भाई अगर बरसात में सबसे अच्छा टमाटर चाहिए, जिन्हें मई जून से लेकर टमाटर लगाना है आपका सेप्टेम्बर तक, उसमें आप आर्यमन टमाटर, सेमनिस का आर्यमन टमाटर जरूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।